मजार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। पीएमए के नए कमांडेंट मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ज़ियारत रेजिडेंसी पर खुसूसी तकरीब। वजीर आला जाम कमाल, कमांडर सदर्न कमांड और IGFC ने परचम कुशाई की। कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म का पैगाम, कहा बरे सगीर के मुसलमानों के लिए कायदे आज़म का विजन था। बहैसियत कौम कायदे आज़म की सालगिरह से बढ़कर खुशी का और कोई मौका नहीं। आज का दिन हमारे लिए बाइस से फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम, कहा दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमेशा रहनुमा उसूल रहेंगे। PTI दोबारा मर्दम शुमारी कराना चाहती है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं। इसी मर्दम शुमारी के साथ आगे बढ़ेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि वजीर आजम भी मर्दम शुमारी के हक में हैं। मर्दम शुमारी होगी तो सारे हलके दोबारा बनाए जाएंगे। फौज की मदद दरकार होगी और सरहदों पर अभी टेंशन है। 2022 में हम मर्दम शुमारी दोबारा कराने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और 23 के इंतखाबात से पहले, यानी हम चाहते हैं कि नए इंतखाबात जो हों वो मर्दम शुमारी के तहत ही हों। जो कराची की आबादी आई थी वो तकरीबन 1,75,00,000 के करीब आई थी, जो कि मैं नहीं समझता कि ये करेक्ट नंबर है। कराची की आबादी इससे ज्यादा लगती है। MQM सरबरा कहते हैं सड़कों पर आएंगे। MQM सर के छोड़े काबीना से बाहर निकले। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का मशवरा, कहा GDA और MQM की मरहूर मिन्नत वफाकी हुकूमत चल रही है। वफाकी काबीना का मर्दम शुमारी का एक तरफा फैसला सिंध हुकूमत को मंजूर नहीं। दो तीन उनकी वजारत खारजा के आला लोग थे और उनकी काबीना के एक दो वज़रा थे जो मिलने हमारे होटल में आए और हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू उनसे रही। नवाज शरीफ ने इसराइल भेजा था मौलाना अजमल कादरी का समा के प्रोग्राम आवाज में बड़ा इंकशाफ। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं अब समझ आया कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलते हैं। कौम जानना चाहती है ये खेल कब से खेला जा रहा है। मरियम नवाज कौम को बताएं नवाज शरीफ इसराइल के एजेंट क्यों बने। नून लीग ने अजमल कादरी के इंकशाफ को झुठला दिया। मरियम औरंगजेब कहती है नून लीग के दौर में ऐसा कोई दौरा या राबता नहीं हुआ। बेबुनियाद इतलात फैलाकर सियासी मुखालफीन को नहीं मुल्की मुफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तर्जुमान नून लीग का कहना है इंडियन एजेंट बनाने वालों ने अपनी सियाह करतूत छुपाने के लिए नया फितना तैयार किया है। इतनी सर्दी है कि इनकलाब फ्रीज हो गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ट्विटर पर तनकीद, लिखा लॉन्ग मार्च, इस्तीफा और धरना डी फ्रीज होने के बाद होगा। कराची में एक और पुरस्कार धमाका। पापोश में बैंक की इमारत छुट्टी की वजह से बंद थी कि धमाका हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बैंक के ऊपर रिहायशी इमारत है। पुलिस को शुबा है कि धमाका इमारत के वाटर टैंक में हुआ। वाटर टैंक में गैस जमा थी। पुलिस को तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। कोई बम गिरा है, कोई बम मारा गया है, कोई बम प्लांट किया गया है, गाड़ी में प्लांट किया गया है। बल्दिया फैक्ट्री की तरह मेरी फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। न्यू कराची में कंप्रेसर ब्लास्ट से तबाह होने वाली फैक्ट्री के मालिक का दावा। मोइन कादरी ने बताया कि उसे 4 माह से धमकियां मिल रही थीं। फैक्ट्री में लगे तमाम आलात दुरुस्त हालत में थे। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर कहते हैं कि हमारे पास तखरीबकारी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। फैक्ट्री मालिक के दावे की रोशनी में तहकीकात कराई जाएंगी। मालाकंड में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद बरामद कर लिया। भारतीय काबिज अफवाज ने मारूफ कश्मीरी फुटबॉलर आमिर सिराज और 2 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। सोपोर के आमिर सिराज जुलाई से लापता थे। हुर्रियत रहनुमा हमीद लोन की मजम्मत, आलमी बिरादरी से जुल्म का नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के बार जारी है। एक दिन में मजीद 85 अफराद इंतकाल कर गए। 2,152 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 38,511 रह गए।
कई माह के मुज़ाकरात के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ब्रेक्सिट तजारती मुहिदा तय पा गया। बरतानवी सदर बोरिस जॉनसन कहते हैं डील पूरे यूरोप के लिए बेहतर साबित होगी। 668 अरब पाउंड के मुहिदे से एक्सपोर्टर्स को मजीद मौके मिलेंगे। तजारती मुहिदे से बरतानिया पर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का दायरा कार भी खत्म हो गया। दुनिया भर में कोरोना के बायस क्रिसमस की खुशियां फीकी पड़ गईं। वेटिकन में क्रिसमस की वर्चुअल तकरीब पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। इटली में कर्फ्यू के बायस तकरीब वक्त से पहले शुरू की गई। लंदन हो या अमेरिका या फिर पेरिस, इमारतें तो रोशन हैं लेकिन कोरोना की वजह से रश ना होने के बराबर है। खिलाड़ियों के क्रिसमस पर पैगामात, स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने फैमिली के साथ तस्वीर शेयर की। मोहम्मद सलाह ने भी अपनी बेगम बच्चों की क्रिसमस ट्री के साथ पिक्चर पोस्ट की। नंबर वन टेनिस प्लेयर जोकोविच का फैंस को मुबारकबाद का पैगाम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पॉन्टिंग ने लिखा कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि घर वालों के साथ त्यौहार मना रहे हैं। खानपुर के नौजवान अहमद हसन का बाबाए कौम को खिराज तहसीन, मिट्टी से मजार कायद का खूबसूरत मॉडल बना लिया।